पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने हालिया इंटरव्यू के बाद से ही चर्चा में चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट आई को दिए इस इंटरव्यू में उन्होंने चीन पाकिस्तान दोस्ती, अमेरिका पाकिस्तान तनाव, भारत इजराइल के गहरे संबंधों, अफगानिस्तान के हालात और बीसीसीआई के विश्व क्रिकेट में बढ़ते दबदबे को लेकर खुलकर बात की है। हालांकि भारत और इजराइल को लेकर किए गए एक दावे को लेकर इमरान खान सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने का फैसला मोदी सरकार ने लिया। इस फैसले का पाकिस्तान ने पुरजोर विरोध किया था और संयुक्त राष्ट्र में भी इस फैसले को लेकर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इमरान खान ने अब अपने इंटरव्यू में कहा कि पीएम मोदी के इजराइल दौरे के तुरंत बाद ही उन्होंने कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि भारत इजराइल से ही प्रेरणा ले रहा है। इमरान के इस बयान के बाद ही वे सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2017 में इजराइल का दौरा किया था, यानी इस दौरे के पूरे 2 साल बाद कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का फैसला किया गया। इमरान से इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि फिलिस्तीन और कश्मीर की स्थिति मिलती जुलती है, ऐसे में भारत और इजराइल की दोस्ती कितनी खतरनाक है। इस सवाल पर इमरान खान ने कहा कि इसमें दो राय नहीं है कि भारत इजराइल काफ़ी करीब है। इजराइल की यात्रा के तुरंत बाद ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को लेकर इतनी बड़ी नीति लागू कर दी थी। इसका ये मतलब निकाल सकते हैं कि उन्हें इसका इशारा इजराइल से मिला था, क्योंकि इजराइल भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। उन्होंने एक मजबूत तंत्र बनाया हुआ है और वे किसी भी तरह के विरोध को कुचल रहे हैं। चीन के खिलाफ अमेरिका के गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से भारत को भी अब लगने लगा है कि उसके पास इजराइल जैसी ही इम्यूनिटी है और वे भी कुछ भी कर सकते हैं। ट्रोल हुए इमरान खान। इमरान अपने इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। एक ट्विटर यूज़र ने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी जुलाई 2017 में इसराइल का दौरा करने गए थे और आर्टिकल 370 अगस्त 2019 में हटाया गया था। इमरान खान के लिए 25 महीनों का इतिहास तुरंत माना जाता है। वे एक अलग ही तरह का इतिहास लिखने के आदी हो चुके हैं। इसके अलावा एक ट्विटर यूज़र ने लिखा कि अब इमरान खान कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के लिए इसराइल पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस इंसान के साथ कुछ बेहद गंभीर समस्या है। वहीं एक और ट्विटर यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े खास दुश्मन इजराइल और भारत हैं और वे इसके खिलाफ चीजों को अपने हिसाब से बदलते रहते हैं।